वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर। आज हम आपके साथ आंवले की चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो नाउ लेट्स कुक टुगेदर। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम आंवले लिए हुए हैं। इन्हें हमें अच्छे से धो लेना है। 2 से 3 पानी से हम इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लेंगे। इन आंवलों में विटामिन सी होने के साथ साथ आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो जब भी आंवले का सीज़न होता है तो हमें किसी भी तरह से इन्हें स्टोर करके रख लेना चाहिए। आंवले हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभदायक होते हैं। इन्हें हमने अच्छे से धो लिया है और अब हम इन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे साफ़ सुथरे कपड़े से। ये हमारे पाचन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, साथ ही साथ हार्ट के स्वास्थ्य के लिए भी असरदार होते हैं। आंवले का सेवन करने से हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है। तो इन दिनों मार्केट में ढेर सारे आंवले मिल रहे हैं, तो आप भी आंवले लेकर आएँ और इस तरह की चटनी बनाएं या इसका मुरब्बा बनाएं। तो हमने इन आंवलों को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब इस तरह से हमें इन्हें काट लेना है और इनके बीजों को अलग निकाल लेना है। यहाँ हम सिर्फ 4 से 5 आंवले की ही चटनी बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 आंवले हमने कट कर लिए हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में ये आंवले के टुकड़ों को डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे, 10 से 12 लहसुन की कलियां और छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 4 से 5 काली मिर्च के दाने और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, नमक डालेंगे और इसी के साथ काला नमक भी डालेंगे। साथ ही में आधे नींबू को अच्छे से निचोड़ कर डाल देंगे। साथ ही में हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, इससे हमारी चटनी अच्छे से पीसी जाएगी। मिक्सी का ढक्कन लगाकर इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी आंवले की चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप इसे पराठों के साथ तो खा ही सकते हैं। आप इस चटनी को दाल चावल के साथ भी खाकर देखिए, बहुत ही मस्त लगती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करने के लिए एक कटोरी में निकाल कर रखते हैं। तो ये चटनी टेस्टी होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।